भी तेरे प्यार की बरसात हो। प्यारे बाबा यूं ही तेरे प्यार की बरसात हो। हाथों में हो हाथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा, साथ ये दिन रात हो। प्यारे बाबा यूं ही तेरे प्यार की बरसात हो। प्यार की बरसात।
शांति। परमात्म महावाक्य हम श्रेष्ठ राजऋषि राजयोगी ब्राह्मण सुफरिश्तों बच्चे प्रति है। अभी स्वयं को परिवर्तन करते हुए विश्व परिवर्तक बनो, स्थित हो जाए अपने भृगुटि सिंहासन पर। अनुभव करें मैं एक बाप से सर्व अविनाशी संबंधों का अनुभव करने वाली मास्टर विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। इस सृष्टि पर अवतरित एक महादानी वरदानी आत्मा हूं। स्वयं परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा ने मुझे अपना बच्चा बनाकर अपना साथी बनाकर मुझे वरदानों से भरपूर कर दिया है। पिता शिव
मेरा सर्व शक्तियों से श्रृंगार कर रहे हैं। मेरा आदि स्वरूप परमात्मा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों व गुणों से संपन्न था। सृष्टि के आदि समय सतयुग में मैं आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान अर्थात सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम हिंसा परमो धर्म युक्त इस धरा पर अवतरित हुई। और अब सृष्टि के अंत में स्वयं भगवान मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। मुझे ज्ञान के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित कर मेरी काया कल्पत्रु कर रहे हैं। एक तरफ परमपिता परमात्मा शिव बाबा मुझे सोलह कला संपूर्ण स्वरूप में देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तगण व अन्य आत्माएं मुझे सर्व शस्त्रों से श्रृंगारी हुई मूर्त अर्थात मेरे संपूर्ण अष्टभुजाधारी दुर्गा स्वरूप का साक्षात्कार कर रहे हैं। मेरी दिव्य रूहानी दृष्टि पड़ते ही मनुष्य आत्माएं व भक्त आत्माएं अपने जन्म जन्म के पाप कर्मों से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त कर रही है। वे देह के बंधन से छूटकर अपने घर शांति धाम को जा रही है। वहीं दूसरी ओर
मेरी दिव्य मुस्कान व वरदानी बोल सुन। आत्माएं जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग के वर्षे को प्राप्त कर रही है। मेरे मुख से निकले दो वरदानी बोल अनेकों आत्माओं के लिए जीवन मुक्ति के दरवाजे खोल रहे हैं। आत्माएं सुख शांति को प्राप्त कर रही है। तृप्त हो रही है, वे मुक्त हो रही है। वे हर्षित हो रही है, अपने कृतज्ञ भाव को प्रकट कर रही है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने फरिश्ते चोले के साथ स्वयं को स्थूल जगत पांचों तत्वों से दूर सूक्ष्म वतन में अनुभव करता हूं। बाप दादा के बिल्कुल सम्मुख बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते को अलौकिक और अपने मानस पटल को पूर्व सभी बातों से डिटैच्ड अनुभव करा रही है। शक्तिशाली रूहानी दृष्टि में समाते हुए मैं फरिश्ता अपने हाथों से बाप दादा के लिए भूख की किट्टी तैयार करता हूं। बड़े प्यार से उन्हें अपने हाथों से स्वीकार कराता अनुभव करें। राइट हैंड से बुक की किट्टी बाप दादा को स्वीकार करें।
मैं बाबा को खिलाता हूं और बाबा मुझे। दादा को भोग स्वीकार कराकर अब मैं फरिश्ता अब दादा को जल स्वीकार कराता हूं। और अब अपने फरिश्ते चोले को यहीं छोड़ मैं अजर अमर अविनाशी स्वरूप बिंदी स्वरूप में मैं आत्मा अपने निज घर परम धाम में पहुंच जाता हूं। शिव बाबा बिंदी के बिल्कुल पास चिपक के बैठ जाता हूं और महसूस करता हूं शिव बाबा की अनंत शक्तियां और गुणों को मुझ आत्मा में ट्रांसफर होता हुआ। देने वाला दे रहा है, लूट सके तो लूट। ये बीज रूप स्थिति जिसमें केवल मैं एक आत्मा बिंदी शुभा बिंदी के साथ जुड़ी हुई हूं, कनेक्टेड हूं उसकी सारी एनर्जी मुझ में ट्रांसफर होती हुई महसूस कर रही हूं। समय के लिए डीप साइलेंस में इस ज्वालामुखी योग अभ्यास से मैं आत्मा अपने सारे पुराने हिसाब किताब कर्म बंधन को इस ज्वालामुखी योग अग्नि में चलकर भस्म होता हुआ अनुभव रही हूं।
इस ज्वालामुखी योग अग्नि में मैं आत्मा अपने पुराने अकाउंट्स को दब्ध महसूस कर बिल्कुल हल्का और रिलैक्स अनुभव कर रही हूं। परम धाम से नीचे शुभाप के साथ पहुंच जाती हूं सूक्ष्म बदन में।
बाप दादा के हाथों में हाथ लिए, सूक्ष्म वतन से नीचे साकारी दुनिया में साकारी रथ में पहुंच जाती। बाप दादा मेरे बिल्कुल सम्मुख है, हाथ में जल ले ले चार्जिंग के लिए, महसूस करे बाप दादा की अनंत शक्तियों भरी पावरफुल दृष्टि इस जल पर बरस रही है और इस जल के एक एक अणु को शक्तिशाली बना रही है, सशक्त कर रही है। पीने वाले हर एक सदस्य को तन और मन से हेल्दी और खुशहाल बना रही। परिवार में सुख शांति आनंद और आपसी समझ का वातावरण बन चुका है। एक एक दूसरे के संकल्पों को कैच कर इशारों की भाषा से सभी कार्य कर रहे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा और परिवार के हर एक सदस्य को भी शक्तिशाली चल पीते मास्टर सर्वशक्तिमान की अथॉरिटी पर त्रिकुटी सिंहासन पर विराजित देख रही हूं। मेरा यह अभ्यास पक्का हो चुका है, स्वयं को आत्मा समझ सभी को त्रिकुटी में चमकते अजब सितारे आत्मिक रूप में देखने का। ये परिवार स्वर्णिम परिवार हो चुका है, हर एक एक दूसरे से सैटिस्फाइड और अनकंडीशनली एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सभी खुशहाल है, परिवार आने वाले हर एक व्यक्ति को स्वर्णिम परिवार का साक्षात्कार करा रहा है और सभी आने वाले भी परमात्म ज्ञान को समझ परमात्म स्नेह को प्राप्त करने के आतुर हो चुके हैं और उन्हें भी परमात्म ज्ञान प्राप्त हो चुका है। जल परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो चुका है, इसे घर के कॉमन वेसल में डाल दें ताकि सभी इसका लाभ ले सके। शांति।